हमने डिसाइड किया है कि अब रेगुलर क्लास होगी, तो जो भी हो एक मॉर्निंग और एक इवनिंग करके फटाफट से हम खत्म करेंगे। हमारा सिलेबस इसी महीने खत्म करने का पूरा टारगेट रहेगा। दिस मंथ 15 दिन बचे हैं हमारे पास, और 15 डेज में रेगुलर क्लास लेके हम खत्म कर लेंगे सिलेबस। उसके बाद रिविजन टेस्ट जो वट एवर बोलो आप। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है आईपी का। हमने आईपी में एक बार फटाफट से रिकॉल कर दूं आपको। सर इनवॉइस प्राइस में नथिंग, बिल्कुल जैसे कॉस्ट प्राइस था वही है, बस इसके अंदर कुछ एक पॉइंट पे जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिटर्न और गुड्स सेंट, इनके ऊपर निकाला जाएगा लोडिंग। लोडिंग क्या है सर? लोडिंग दैट इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट को निकाल के उसके अपोजिट साइड रख देंगे जिससे कि हमारा सब चीजें कॉस्ट पे हो जाए। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं आईपी प्राइस। आईपी प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कहता है यहां पे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है एक्स कंपनी हैज अ ब्रांच इन दिल्ली, ठीक है, गुड्स इनवॉइस हेड ऑफिस। अब यहाँ पे ये कुछ ऐसा परसेंटेज दे रखा है, ये परसेंटेज पता है क्या है? 33.3333% है। इसका मतलब परसेंटेज को देखिएगा, और लास्ट क्लास में मैंने टेबल भी लिखवाया था कि अगर कॉस्ट पे 33 हो तो सेल्स पे कितना बन जाता है? 25। आप चेक करेंगे तो सेल्स पे कितना बन जाता है? 25% बन जाता है। ठीक है सर, यहाँ पे दे रखा है आपको ओपनिंग स्टॉक, डेटर। ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले क्या गिवन है आपको? दैट इज डेटर गिवन है, तो हम यहां लिख लेते हैं 10,000। डेटर के बाद क्या है? पेटी कैश। बताइए कितना है पेटी कैश? फर्नीचर बताइए 2,000। इसके बाद स्टॉक आईपी, इसका मतलब ये स्टॉक आईपी पे है यानी सेलिंग प्राइस पे है, कितना है? 2,000। और बस कैश सेंट बाय हेड ऑफिस पेटी कैश, तो जो भी हेड ऑफिस पेटी कैश के लिए खर्चा देगा यहां पे आ जाएगा पेटी कैश। अमाउंट क्या है पेटी कैश का? अमाउंट है सर, नहीं पेटी कैश के लिए नहीं है, ये एक्सपेंस का 2,000 है ना, 2,000 इधर आ गया। इसके बाद ब्रांच एक्सपेंस एंड लॉसेस कुछ दे रखे हैं, फ्रेट। और सर किसने दिए हैं सारे खर्चे? कुछ भी नहीं बताया, तो हम मान लेंगे हेड ऑफिस ने दिया होगा, और या फिर लास्ट में पता चल जाएगा क्या क्या खर्चे हैं सर। फ्रेट है, कितने का है? 5,600। इसके बाद क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स तो यहां नहीं आता, बैड डेट्स कहां जाता है? डेटर अकाउंट। तो हमें एक डेटर अकाउंट बना लेना चाहिए, दैट इज मैं एक यहां एकदम स्मॉल सा डेटर अकाउंट बना लेता हूं। ठीक है, आठ हजार है, अभी कर देते हैं 8,000। रुके, ठीक है, विजुअल है। एक हम डेटर बना लेते हैं सर। डेटर क्यों बनाना होता है? क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, रेमिटेंस चाहिए, इसलिए सिर्फ। ठीक है, हमने कहा सर ये 8,000 है। आ जाइए, हमने फ्रेट कर लिया, बेड डेट्स इधर आ जाएगा बाई साइड में, बाय बेड डेट्स। कितने रुपए का बेड डेट्स है सर? 50 का। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर सर कितने का है हमारा? 2,000 का। और जब डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो हमारे पास क्लोजिंग बच जाएगा। कितने का डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे? 80 रुपए। तो हमारे पास था 2,000, 80 रुपए इस पे लग गया डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर बचेगा 1,920 रुपए। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है पेटी एक्सपेंस, जितना पेटी पेटी एक्सपेंस, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा, हम पेटी एक्सपेंस को कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ये लगा दिया, ठीक है, अभी देखेंगे। सेल्स कहता है कैश सेल्स कितने का? 50,000। डेटिस 50,000 यहां आ गया। अब इसके बाद क्रेडिट सेल्स कहां जाता है बताओ? डेटर में टू क्रेडिट सेल्स,
कितने हैं 36,000। और यहां टू बैलेंस बीडी भी डाल देते हैं क्योंकि हमें पता था, दैट इज बैलेंस बीडी आपने बताया था 10,000। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, अब डेटर ने रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न है जो कि यहां आएगा। सेल्स रिटर्न कितने रुपए का? 800। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो ब्रांच का रिटर्न तो इधर आ जाएगा। कितने का? 2,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो बाई साइड में आ जाएगा कैश 20,000। और रेमिटेंस में भी आ जाएगा कैश रिसीव, ठीक है। स्टॉक एट द एंड आईपी, तो यहां पे स्टॉक भी आ गया, दैट इज 7,800। देखो अब डेटर हमें निकालना पड़ेगा, पेटी कैश हमें निकालना पड़ेगा, नहीं पता, ये दोनों तो पता है ना। तो डेटर निकालने के लिए हमारे पास डेटर से निकल जाएगा, छियालीस हजार। भाई पेपर में ना 20-20 नंबर के सवाल जो आएंगे ना आपके, देख लो कितना टाइम लगना है, कुछ टाइम नहीं लगना। और जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी हुई ना, उनको तो लगेगा पता नहीं क्या आ गया पेपर में। 25,150 बाय बैलेंस 25,150, तो डेटर 25,150। अब पेटी कैश की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो पेटी कैश जो होता है ना, हमारा एसेट्स होता है, होता क्या है पेटी कैश वो भी देख लेते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं एक बिजनेस है, दैट इज पी क्यू आर लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है मान लो, और इस कंपनी के अंदर डेली के बड़े सारे खर्चे होते हैं। दैट इज क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जैसे चाय का, जैसे स्नैक्स का, जैसे छोटे मोटे फूड का, जैसे वर्कर वगैरह को दिया जाता है। तो ये सारे ना खर्चे डेली होते हैं, जैसे कोई क्लाइंट आ गया तो उसके लिए चाय, कोई कस्टमर आ गया हमारे दुकान में तो उसके लिए थोड़े बहुत स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट या लंच का अरेंज कर देना क्लाइंट के लिए। तो ऑनर ना हमेशा, जो ऑनर होता है दुकान का या मैनेजर कह लो, वो नहीं लेके आएगा चाय। अगर मेरी दुकान में कोई कस्टमर आया तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब बैठो, मैं भी चाय बना के लाता हूँ, तो वो तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं सर, नहीं सर, रहने दो, रहने दो। इसके बाद देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद देखा जाए तो जो ये ऑनर है, ये अपने पास इन सभी काम के लिए एक व्यक्ति को रखता है, उसको आप पियोन बोल लो, है ना, पियोन या ऑफिस बॉय भी बोलते हैं, जो कि क्या करेगा, इन सभी कामों को करेगा। अब बेचारे ऑफिस बॉय की तनख्वाह की बात करें तो इसकी सैलरी इतनी नहीं होती कि ये अपने जेब से खर्च करे और बाद में मेरे से ले ले। इसकी सैलरी ही मान लेते हैं कि 8,000 रुपए है, और हमारा रोज का खर्चा चाय बिस्किट में मान के चलो 3,000 से 4,000 होता है। तो अब मैं ऑफिस बॉय को कहूं कि भाई तुम एक काम करो, खर्च कर दो, महीने के एंड में मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ऑफिस बॉय बोलेगा सर 4-5 हजार तो आपका डेली का खर्चा है, मेरी सैलरी 8,000 है, तो जो सैलरी मिलती है वो तो मैं घर लेके जाता हूँ, घर दे के राशन वाशन वाले को खत्म, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं, बस बस का किराया लेके हम ऑफिस आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसके पास पैसा है नहीं। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जो ये ऑनर है, ऑनर अब जैसे भी कोई गेस्ट आया, अब कोई चाय बनाना है तो ऑफिस बॉय ऑनर के पास जाए, बोले लाओ दूध के पैसे चाय बनाने,
या फिर बोले लाओ आप बिस्किट के पैसे, बिस्किट लेके आने, या फिर बोले लाओ मुझे लंच के पैसे। तो फिर जो यहाँ पे क्लाइंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करता है वहां पे कि यार कैसी कंपनी है, इसके पास सारी मैनेजमेंट ठीक से नहीं चल रही। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये क्या करता है, एडवांस पैसा इसको दे देता है, बोलता है ले भाई 10,000 रुपये या 20,000 रुपये ले ले, एक काम कर। ठीक है, एक काम कर 20,000 रुपये ले ले, एडवांस में दे दिया 20,000। क्यों दिया इसको, तुम डेली इसी से खर्चा करते रहना। क्या करते रहना, टी और जो भी आपका स्नैक्स वगैरह है या फिर जो भी आपका फूड वगैरह जो भी ला रहे हो उसका खर्चा करते रहना, और मुझे डेली बेसिस पे एक रजिस्टर पे मेंटेन करके मुझे ला के दिखा देना। अब 20,000 दिया, अब इस बेचारे पियोन ने क्या करा, रजिस्टर मेंटेन किया। मान लेते हैं आज तारीख कितनी है, 17, कितनी है 16, 16 तारीख, 16 तारीख का इसने मेंटेनेंस किया और टी वगैरह सब चीज पे खर्चा बताया, सर 4,000 खर्चे हो गए और आपके बचे हुए कितने हैं, अभी भी 16,000 बचे हुए हैं। तो जो मैं ये पैसा उसको 20,000 एडवांस में दे रहा हूं, और किसके लिए दे रहा हूं, मैं छोटे मोटे खर्चे के लिए दे रहा हूं। तो छोटे मोटे खर्चे को ना नाम दिया जाता है पेटी एक्सपेंस अकाउंट्स में। अगर छोटे मोटे खर्चे को एक तो मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोलते हैं और एक जनरल एक्सपेंस भी बोलते हैं, एक पेटी एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो पेटी एक्सपेंस मतलब खर्चा तो है, लेकिन पेटी एक्सपेंस हम जो इसने 4,000 किया है, दैट इज नॉट, ये पेटी एक्सपेंस नहीं है, ये तो एक्सपेंस हो गया। जो खर्चा नहीं हुआ लेकिन खर्चे के लिए पैसा दिया गया, वो पेटी एक्सपेंस है। अब मान लो ये 1 महीने तक कोई ना तो मैंने किसी को चाय पिलाया, ना तो कुछ करा, कुछ भी नहीं करा, तो ये 20,000 रुपये मैं वापस ले लूंगा, ला भाई खर्चा ही नहीं हुआ। तो पेटी एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स, यानी एडवांस में खर्चा कर देना होता है एक तरीके से। तो पेटी एक्सपेंस एसेट्स है, तो एसेट्स कहां आ जाता है हमारा पेटी एक्सपेंस का, अगर एसेट्स है तो यहां टू बैलेंस बीडी में आ जाएगा। सपोज करो मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है इसको 20,000, अब दिन भर में इसने बहुत सारे खर्चे किए और फिर मैंने बोला चले यार 5,000 और ले लें, तो आपको एसेट्स का नेचर पता है, ये डेबिट इधर होता है और इधर क्या होता है क्रेडिट, और डेबिट से क्या होता है एसेट्स प्लस होता है और क्रेडिट से क्या होता है माइनस। अगर मैं इसे और इसका पेटी एक्सपेंस कैसे बढ़ेगा, मैं पैसा देता जाऊंगा इसका एक्सपेंस क्या होता जाएगा। तो मैंने बोला चल यार 20 दिया था, एक काम कर 5,000 पड़े हुए और ले ले तू, तो फिर मैंने बोलूंगा भैया कैश और मिल गया, स्टार्टिंग में तो था ही 5,000 कैश मिल गया। इसके बाद इसने 17,000 मान लो खर्च दिए, तो पेटी एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 17,000 खर्च कर दिए तो बाय एक्सपेंस। तो अगर मैं पूछूं कि भैया इसके पास बचे कितने, तो सिंपल सा आप अकाउंट्स के फॉर्म में भी कर सकते हो और जनरल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो कि भैया मेरे पे 25 थे और जिसमें से 17 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 8,000 बच गए। और अकाउंट के फॉर्म में क्या होता है, 20 और 5 25 और बच गए कितने 8, ये क्या हो गया बाय बैलेंस सीडी। जो हमारा डेटर सिस्टम है, डेटर सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस तो लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, और जो हेड ऑफिस ने जो भेजा पैसा वो लिख लिया। तो इसका मतलब खर्चा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर मैं एक अकाउंट में ये तीन चीजें दिखा दूं और फिर बैलेंसिंग करूं तो ऑटोमेटिक खर्चा आ गया ना। ठीक है, तो अब अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हम यहां से क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं। इसको नहीं दिखाते हम, इसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है वहां पे। तो इस वाले क्वेश्चंस में देखोगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस पता है, आपने कितना पैसा आपको मिला है वो भी पता है, और आपने कितने खर्चे हैं, पेटी एक्सपेंस कितना कर दिया है वो भी पता है इस सवाल में। अब क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता चल रहा, तो आप सिंपल पता कर सकते हो, भैया शुरू में मेरे पास थे कितने 1,000, तुमने भेज दिए 2,000, 3,000 हो गए, और मैंने खर्च दिए कितने 1,500, तो मेरे पास बचा कितना होगा 1,500। तो या तो आप अकाउंट फॉर्मेट में करो जैसे कि मैंने बनाया है यहाँ पे अकाउंट, या तो आप किस फॉर्मेट में कर लो, इसी अकाउंट को मैं टू बी कंटिन्यू कर देता हूँ कि भैया वहां से शुरू में थे कितने 1,000, भेजे कितने थे 2,000, खर्च कितने दिए थे 1,500। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये टोटल, क्योंकि आगे अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, कई बार एग्जामिनर स्पेशली बोलता है ऑल्सो प्रिपेयर पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट, तब तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो कितने हो गए 1,500। अब ये 1,500 कहां यूज हो जाएगा सर, बैलेंस में क्लोजिंग में पेटी एक्सपेंस कितने हो गए 1,500। एक तो ये हो गया, हमने पेटी एक्सपेंस भी कर दिया डन, अब आगे डेटर, डेटर भी कर दिया डन, चारों चीजें हो गई।
अब आगे देखते हैं, गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। अब जितना सामान गुड्स सेंड किया हेड ऑफिस ने, तो टू आ जाएगा। कितने का किया गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस ने, कितना भेजा? तो ये सभी के सभी किस पे हैं? आईपी। और ये भी स्टॉक किस पे है? आईपी। हमने अकाउंट्स में ईच एंड एवरीथिंग पुट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। आप ऊपर से नीचे तक अगर देखोगे सब कुछ डाल दिया है। अब सारी चीजें सेल्स पे, देखो ओपनिंग स्टॉक भी सेल्स पे, क्लोजिंग स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे, गुड्स सेंट भी सेलिंग प्राइस पे, तो हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें इसके प्रॉफिट को यहां से खत्म करना है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व या लोडिंग। तो आपको अच्छे से पता है उसने 33% कॉस्ट पे बोला था, 33, तो सेल्स पे कितना होगा? 25। तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना, हमें सिंपली ओपनिंग स्टॉक पे होगा तो बाय साइड में लिख देंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। किस पे? ओपनिंग स्टॉक पे। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा सर? 8000। 8000 का सीधा 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे निकाला 2000 रुपए, इसको भी दिखा देते हैं। सिंपल सा हमने फंडा देखा था कि भैया हम फॉर्मूला रख लो, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट कह लो, और प्रॉफिट का नाम ही लोडिंग था। सेल्स आपको दे रखा था 8000 सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट किसके ऊपर है? इसी के ऊपर है, तो एक्स बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि 33 वन बाई थ्री इज इक्वल टू 1/3 होता है हमारा, अगर हम सॉल्व करें परसेंटेज के टर्म्स में। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 4x डिवाइडेड बाई 3, 8000। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24000 इज इक्वल टू 4x। अब डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा? 6000। और x क्या लेट किया था हमने? कॉस्ट। अगर कॉस्ट 6000 है और सेलिंग प्राइस 8000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 2000। जो कि हमने यहां पे एक परसेंटेज थोड़ा सा रिमाइंड कर लिया, डायरेक्टली निकाल लिया, इतनी झंझट नहीं होगी। या दूसरा एक और तरीका है, देखो एक होता है सेल्स, एक होता है कॉस्ट, दो ही चीज होता है। या पहले हम कॉस्ट लेते हैं, पहले कॉस्ट होगा, फिर इसमें क्या ऐड होगा? प्रॉफिट, और फिर क्या बनेगा? सेल्स। सिंपल सा फंडा है। अगर आपको नीचे से ऊपर जाना होगा तो प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, अगर ऊपर से नीचे आना होगा तो प्रॉफिट। अब हमें क्या दे रखा है? सेल्स 8000, और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 33.33%। किसके ऊपर? इसके ऊपर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। ठीक है, क्या निकालना है? दैट इज, अगर कॉस्ट निकाल जाए तो बात बन जाए, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए इसे घटाना होगा। तो आप लेट करना हमेशा 100 में से घटाना, तो हमारे पास है 8000, आप इसको 100 ही मानो। एक काम करो, इसको 100 ही मानो, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 66.6667 आ जाएगा। ठीक है ना, घटाने के पास, तो 100 मानना है इसको। आपने क्या करना है यहां पे? दैट इज, आपको लिखना है 8000, और ये इक्विवेलेंट है 8000 जो है, एक मिनट, नहीं, मैंने गलत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया। आपको जो नहीं दे रखा होगा ना, उसको 100 मानना है, क्योंकि लेट किसको करोगे? जो, तो दैट इज कॉस्ट नहीं पता तो 100 मान लिया। प्रॉफिट कितने परसेंट था? तो सेल्स निकल जाएगा, सेल्स कितना आ जाएगा? और आपको सेल्स पता है और सेल्स का परसेंटेज पता चल गया, तो डिवाइड कर दोगे, और चाहिए क्या आपको? सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा इनटू कर दोगे, दैट इज आपका पूरा परसेंटेज लेना, तभी एक्यूरेट आएगा इनटू में, ये आ जाएगा आपका 2000 एग्जैक्ट। समझ में आया? एक ये है कि भैया ऐसे। अब दूसरा देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं बताना। चलो मैंने आपको सेल्स दे दिया, सेल्स नहीं दिया, कॉस्ट दे दिया 2000, और जीपी दे दिया मैंने किस पे? ऑन सेल्स पे। कितने परसेंट मैंने दे दिया? सपोज वो वाला परसेंटेज नहीं दे रहे जो कि हर बार हमें मिलता था, 30% दे दिया, ये तो नहीं है टेबल में। तो अब फिर से आप सबसे पहले क्या होता है? कॉस्ट होता है, इसमें क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट, फिर क्या बनता है?
अब जो नहीं दे रखा उसको 100 मानिए। क्या चीज नहीं दे रखा? सेल्स 100 माना। प्रॉफिट कितना है? तो कॉस्ट अगर हमें निकालना है कॉस्ट का परसेंटेज, तो ये 70% होगा। तो अब 70% हमें कॉस्ट का रेशियो पता चल गया और कॉस्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 70, और हमें चाहिए 30 इंटू में 30, ये आ गया हमारा 857 सीधा। इसी चीज को लेट करके भी प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, दैट इज सेल्स आपका नहीं पता तो एक्स इज इक्वल टू 2000 प्लस 30%, तो एक्स बाय 3 हो जाएगा, नहीं 3 तो नहीं होगा, एक्स इंटू में 30/100 यही होगा ना। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 10 से 10 3/10 आ गया, राइट 3/10 आ गया, इधर आ जाएगा तो x माइनस में 3/10x इज इक्वल टू 2000। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10 7x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, इसको 20000 कर दे इसको हटा के, तो x इज इक्वल टू 20000 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 7, करके सॉल्व करके देखो डिवाइडेड बाय 7 ये आ गया हमारा 2857। अब 2857 माइनस किसमें से करोगे, देखो 2857 क्या आ गया सेल्स और 2000 है, तो बीच का डिफरेंस प्रॉफिट आएगा वही तो आ रहा है 857। तो मैं अगर ये मानू ना, जो ये वाला प्रोसेस है ये भी मैं सिखा दूंगा हर क्वेश्चन पे, मैं एक तो आपका टेबल भी ऐड करके दिखा दूंगा और एक ये भी अप्लाई करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए। अभी हमें पता चल गया टेबल के अकॉर्डिंगली कि भैया सब पे 25% निकाल दो, झंझट खत्म, एक पे 25 निकाल दिया, गुड सेंट पे भी निकाल दे, बाय स्टॉक रिजर्व कितने परसेंट 25%, तो इसका 25% क्या होगा 88,000 का 22,000, नहीं गुड सेंट का निकाला है। अब इधर आ जाते हैं किस पे निकलेगा, टू क्लोजिंग स्टॉक और एक रिटर्न पे, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक था कितने का सर 7800 1950, टू स्टॉक रिजर्व किस पे गुड्स रिटर्न पे है ना, अब हमेशा जब भी रिटर्न होता है, मैंने आपको बोला कि भैया सामान 120 का है ये ले, आपने बोला भैया जो आपने 100 सामान 120 का भेजा खराब था, तो जब आप वापसी करोगे तो कॉस्ट पे थोड़ी ना वापस करोगे, जितने का आपने रिटर्न किया है उतने का ही वापस करोगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली कंसिडरेबल होगा कि दैट इज ये किस पे होगा हमेशा आईपी पे, ठीक है। तो 2000 पे 25% 500 बस खत्म क्वेश्चन, ये आ गया 70,000 और इधर जोड़ लेते हैं 10,000 1,000 2,000 8,000 ये 21,000 70 2,000 2,000 22,000 1920 1,32,370 1,32,370 टू बैलेंस और सॉरी बैलेंस लिख रहा हूं सरप्लस, प्रॉफिट भी लिख सकते हो, -21,000 -88,000 -2,000 -5,600 -1950 -500 ये आ गया 13,320 चेक करिए ये प्रॉफिट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो चांसेस कॉस्ट प्राइस का, तो मान के चलो ना के बराबर है, आएगा आईपी का ही, और किसका, या तो ये आएगा या स्टॉक डेटर सिस्टम वाला, समझ रहे बात। तो इसमें भी अगर देखा जाए कॉस्ट जिसने सीख लिया और एक फंडा सीख लिया कि लोडिंग है क्या चीज और क्यों निकालते हैं, तब तो कॉस्ट ले लो ये ले लो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, बस चार काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 6। चलिए कोई डाउट इसमें,
इलस्ट्रेशन नंबर 25 ब्रांच एक्सप्लेन, एक मिनट कर देते हैं कोमल, चलिए नोट कर लीजिए।